गाइज वेलकम एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टाइलिश ब्यूटीफुली। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्लान्स ऑफ वैलेंटाइन कैटरीना कैफ और विकी कौशल के। जैसे कि आप जानते हो कि शादी के बाद ये फर्स्ट वैलेंटाइन होगा विकी कौशल और कैटरीना कैफ का, लेकिन गाइज ये दोनों इकट्ठे वैलेंटाइन सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे और उसका रीज़न है सलमान खान की मूवी टाइगर 3। जी हाँ, टाइगर 3 की शूटिंग होगी मिड फेब तक 15 डेज़ के लिए और उसमें वैलेंटाइन डे भी होगा। 15 डेज़ की पेंडिंग थी शूटिंग और उसको रीशेड्यूल करके फरवरी में किया गया है क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी दिनों से डिले हो गई थी इसकी शूटिंग और अभी 15 डेज़ का शेड्यूल रखा गया है फरवरी में और उसमें ही वैलेंटाइन निकल जाएगा कैटरीना कैफ का। बट ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इंदौर चली गई थी कैटरीना कैफ विकी कौशल के पास 1 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, तो हो सकता है कि उनके हस्बैंड इस बार कैटरीना कैफ के पास चले जाएं वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने। आई होप ऐसा ही हो। ये वैलेंटाइन तो होगा भी काफ़ी स्पेशल कैटरीना कैफ और विकी कौशल के लिए क्योंकि ये होगा इनकी शादी के बाद पहला वैलेंटाइन और इन्होंने क्रिसमस, लोहड़ी सब फेस्टिवल साथ में ही सेलिब्रेट किए हैं, तो हो सकता है कि वैलेंटाइन भी ये साथ में सेलिब्रेट करें। फिलहाल कैटरीना और विकी कौशल दोनों मुंबई में ही हैं क्योंकि मालदीव से एड शूट करके कैटरीना कैफ भी वापस आ गई है मुंबई और विकी कौशल भी अपनी मूवी की शूटिंग इंदौर से ख़त्म करके मुंबई में ही है, तो फाइनली दोनों इकट्ठे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे सेफ, बाय।